सावन माह में रेलवे स्टेशन पर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाने वाले कांवड़ियों की संख्या बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए कांवड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाते हुए जीआरपी प्रभारी राणा राजेश सेन के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन की सघन चेकिंग की। चेकिंग के दौरान जीआरपी ने वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, शौचालय सहित प्रमुख स्थानों की चेकिंग की। इस दौरान टीम ने स्टेशन पर संदिग्ध रूप में दिख रहे लोगों और यात्री की भी चेकिंग डॉग स्क्वाड के माध्यम से की। इस दौरान कोई भी संदिग्ध सामग्री और व्यक्ति नहीं मिला। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीआरपी के सीओ एसएन राय ने कहा, सावन मेले के भीड़ को देखते हुए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबोडाज चेकिंग, डॉग स्क्वाड की चेकिंग, फिजिकल चेकिंग, ये सब रेलवे स्टेशन में कराई जा रही है। इससे आने वाले दिनों में सावन मेला जब प्रारंभ हो तो उसमें कोई दिक्कत ना आवे, किसी प्रकार की कोई पहले से तैयारी की जाए, कोई संदिग्ध मिल जाए, कोई बात हो जाए, उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से की जा रही है। हाँ, पूरे सावन मेला भर चलता रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सावन मेला में स्पेशल ट्रेन भी चलती है, यहाँ से मेला जाने के लिए हफ्ते में दो दिन बाबा धाम, तो भीड़ काफ़ी होती है। सुरक्षा ने उसके लिए निर्देश दे दिया गया, हम लोग स्वयं भी, मैं तो स्वयं भी मौजूद रहूँगा, ट्रेन के डिब्बे के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा, अगर चढ़ेगा तो ट्रेन नहीं जाएगी, जब तक उतर नहीं जाएगी। किसी की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।